हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पावर विल में। आज हम अपने चैनल पर एक वीकली करंट अफेयर की न्यू सीरीज स्टार्ट करना जा रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर किसी को इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है किस मिसाइल सिस्टम को एक्सपोर्ट करने का। तो इसका आंसर है अग्नि 5 सिस्टम, या फिर आकाश मिसाइल सिस्टम, या फिर प्रहार मिसाइल सिस्टम, या निर्भया मिसाइल सिस्टम। तो इसका आंसर है आकाश मिसाइल सिस्टम। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए, आकाश मिसाइल सिस्टम, ये देखिए, ये मोदी कैबिनेट ने अभी अप्रूवल दे दिया है इसको अदर कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करने के लिए। ये एक मीडियम रेंज मिसाइल सिस्टम है और ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, ठीक है। और इसको DRDO ने डेवलप किया है। ये जो है 25 किलोमीटर तक की रेंज में कोई भी कमिंग मिसाइल को काउंटर कर सकता है, मतलब उसको रोक सकता है। और ये ऑल वेदर कंडीशन में काम करता है। और इसको 2014 में इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट कर लिया था, और 2015 में इसको इंडियन आर्मी के लिए कंडक्ट कर लिया गया था। अभी ये सर्विस में है। और ये देखिए, ये इसका फोटो है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक NG इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड एयर ड्रॉप कंटेनर है। इसको किसके लिए डेवलप किया गया है, इंडियन आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, या फिर इसरो के लिए। तो इसका आंसर है इंडियन नेवी के लिए। ये देखिए, इसको DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है, ठीक है। और इसको अभी चेक किया गया था कोस्ट ऑफ गोवा पे, जिसको एयर ड्रॉप किया गया था एयर इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट से, ठीक है। बात करते हैं DRDO की। DRDO फाउंड हुआ था 1958 में, इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। चलिए ये देखिए, बहुत अच्छा ग्राफिक्स है, इसमें समझाया गया है। ये देखिए, ये एक कंटेनर है, आप एयर ड्रॉप कंटेनर है तो आप इसको ये मत समझ लेना कि आर्मी के लिए। ये देखिए, इसमें क्या होता है, ये एक कंटेनर है, कोई छोटे हम अगर इमरजेंसी कोई पार्ट्स चाहिए किसी शिप के लिए, और बीच सी में कोई शिप है तो हम वहाँ तो ले जा नहीं सकते, तो इसको इस प्लेन में रख के नीचे सी में ड्रॉप कर दिया जाएगा और पानी में ऐसे छोड़ दिया जाएगा। फिर वो शिप आएगी, उसको ले जाएगी और जो हमारा काम है वो हो जाएगा। ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियस डेवलप्ड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लाइट हाउस प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया है अंडर द ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी के अंदर। तो ये कितने स्टेट्स में किया गया है, तो इसका आंसर है इन 6 स्टेट। ये देखिए, इसमें समझाया गया है, अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 6 स्टेट के अंदर लाइट हाउस प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया है अंडर द ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज के अंदर। तो इसमें पहला है इंदौर मध्य प्रदेश, राजकोट गुजरात, चेन्नई तमिलनाडु, रांची झारखंड, अगरतला त्रिपुरा, और लखनऊ उत्तर प्रदेश। ये देखिए, ये अच्छे से समझाया गया है, इसमें 6 स्टेट्स के अंदर किया गया है और हर स्टेट्स या लोकेशन पर 1,000 हाउस होल्ड बनेंगे। 2022 तक इन्हें कंप्लीट करना है। और इसके अंदर जो है 70 लाख हाउसेस का फाउंडेशन रख दिया गया है, मतलब नींव रख दी गई है, और अप्रोक्स 40,000 जो हाउसेस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं अब तक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग बिकम इंडिया 67 चेस ग्रैंड मास्टर, अभी 67 चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने इंडिया के। तो इसका आंसर है लियोन मेंडोसा। ये देखिए, लियोन मेंडोसा अभी ऑनलाइन कंपटीशन हुआ था, वह है इसमें विनर हुए हैं, तो अभी इंडिया के 67 ग्रैंड मास्टर बने हैं और ये सिर्फ 14 ईयर ओल्ड है। आप देखिए कितनी बड़ी उपलब्धि है इनकी। और वन ऑफ द लेजेंड स्वामी विश्वनाथन आनंद जी ने इनको ट्वीट करके बधाई दी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हाल ही में रेलवे के CEO के तौर पर किसको नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर है श्री सुनीत शर्मा साहब। ये देखिए, ये रहा, ये इनका फोटो है, श्री सुनीत शर्मा साहब, और इनको अपॉइंट किया है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने, और ये इससे पहले जनरल मैनेजर रह चुके हैं ईस्टर्न रेलवे के। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हाल ही में किन दो कंट्रियों ने 1 जनवरी को न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की लिस्ट को एक्सचेंज किया है, तो इसका आंसर है इंडिया एंड पाकिस्तान। ये देखिए, इसमें क्या है कि इंडिया और पाकिस्तान ने
अपने अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन कहाँ पर है, जो कि हम यूज करते हैं फॉर द रिसर्च पर्पज, इलेक्ट्रिकल जनरेशन के लिए, तो उसकी लिस्ट को एक्सचेंज किया है, और ये हम हर साल करते हैं। तो किस ट्रीटी के अंदर करते हैं? एग्रीमेंट ऑन प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट द न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज। ये ट्रीटी दिसंबर 31, 1998 में साइन हुई थी, और इसको फोर्स में लाया गया था 1991 में। इसको लास्ट 30 ईयर से हम एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि समझिए जैसे इंडिया पाकिस्तान में कभी वॉर होता है, तो हम इसमें ये इंश्योर करते हैं कि आप हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को बर्बाद नहीं करोगे। अगर वो बर्बाद हो गए तो उससे जो आम पब्लिक है, जो सिविलियन है, उनको काफ़ी लॉस होगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम करते हैं। तो ये अभी भी 30 साल से प्रैक्टिस है जो जारी है। इवन दो हम दोनों के बीच, हम दो कंट्रीज के बीच में बहुत सारे डिफरेंस हैं, लेकिन तब भी ये प्रैक्टिस जारी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी देश को डेडिकेटेड किया है नेचुरल गैस पाइपलाइन, ये किन दो शहर के बीच में है? तो इसका सही आंसर है कोची एंड मैंगलोर। ये देखिए, ये इसको ऑपरेट करता है गेल, यानी कि गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। ठीक है, 5 जनवरी 2021 को इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था। ये 450 किलोमीटर लंबी है, और इसके अंदर कंप्रेस नेचुरल गैस का यूज होगा। और जब ये सेरेमनी हो रही थी तो इसमें और भी काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें गवर्नर ऑफ केरला श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब थे, गवर्नर ऑफ कर्नाटका विजुभाई वाला, चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका BS येदियुरप्पा, CM ऑफ केरला श्री पिनारी विजयन, एंड द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस श्री धर्मेंद्र प्रधान। और ये देखिए ग्राफिक्स, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसको इनॉग्रेट करते हुए, ये गेल के ऑफिशियल्स एंड द केरला के चीफ मिनिस्टर और बाकी सभी लोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये है कोची, कोची जो कि केरला के अंदर पड़ता है, और ये है मैंगलोर जो कि कर्नाटका के अंदर पड़ता है। ये मैंगलोर है ना कि बैंगलोर। बैंगलोर इज द कैपिटल सिटी एंड मैंगलोर इज ओनली द सिटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली किस कंट्री ने अपने नेशनल एंथम के वर्ड को चेंज किया है अपने इंडिजिनियस पीपल्स को ऑनर करने के लिए? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। तो ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने अभी अपने नेशनल एंथम में कुछ चेंजेस किए हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने जो इंडिजिनियस पीपल हैं उनको ऑनर करना चाहते हैं उसके लिए। ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया की कॉन्टिनेंट की जो खोज हुई थी करीब आज से 65,000 साल पहले हुई थी। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो हम लोगों ने सोच रखा है कि ऑस्ट्रेलिया के लोग वाइट रेस के होते हैं जैसे यूरोप के, और रियल में ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के लोग काफ़ी अलग होते थे, ये एक अलग कॉन्टिनेंट था। यहाँ धीरे धीरे ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस का कब्जा था, वो यहाँ पे आके रहने लगे, तो उनकी वो मेजॉरिटी में हो गए, और वहाँ की जो नेटिव पॉपुलेशन थी वो माइनॉरिटी बन गई, और वो ख़त्म होते चले गए, तो वो लोग काफ़ी कम हो गए। इसीलिए उन लोगों को ऑनर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपना नेशनल एंथम में कुछ वर्ड चेंज किए हैं। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट कंट्री है ओसेनिया कॉन्टिनेंट के अंदर, और एरिया वाइज 6 की सबसे लार्जेस्ट कंट्री है ये। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबेरा, और लार्जेस्ट सिटी है इसकी सिडनी। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मैरिसन, एंड करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ये देखिए, ये है ऑस्ट्रेलिया की नेटिव रेस। ये देखिए, ये नेटिव लोग जो वहाँ के ओरिजिनल लोग थे, ये जिनको हम बोलते हैं एवोरिजन्स। एवोरिजन्स एवोरिजन्स क्या करते थे, ये कभी भी एक जगह पे नहीं रहते थे, पूरे कॉन्टिनेंट में और जगह जगह घूमते रहते थे फॉर द फाइंडिंग ऑफ फूड एंड रहने के लिए, जगह ढूंढने के लिए। तो इनको ऑनर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने कुछ चेंजेस किए हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली इंडिया के फर्स्ट कल्चर डिप्लोमेट 3 साल बाद इंडिया लौट के आए हैं, और वो किस कंट्री से लौट के आए हैं? तो इसका आंसर है USA। देखिए इसमें क्या था कि 2017 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 162 कल्चर डिप्लोमेट, यानी कि जो अब इंडिया कल्चर में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, उनको 162 कंट्रीज में भेजा गया था टू प्रमोट द इंडियन कल्चर। तो उसके जो पहले कल्चर डिप्लोमेट हैं डॉक्टर मोक्ष राजवास, वो इंडिया लौट के वापस आ चुके हैं US से। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है अपने कल्चर को बढ़ाने के लिए। और ये इन्होंने वहाँ के एम्बेसीज में बहुत लोगों को योगा सिखाया, मेडिटेशन सिखाया, आयुर्वेदा सिखाया, वैदिक लिटरेचर का ज्ञान दिया। और ये हम कर किसके अंदर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी डॉक्टर आए ना, जो हम मतलब मानते हैं वसुदेव कुटुंबकम, मतलब पूरी धरती ही हमारा घर है, उसके अंडर ये हमने किया है। ये देखिए, ये है डॉक्टर मोक्ष राजवास, ये लौट के आए हैं उसका, और ये वॉशिंगटन DC मतलब जो एम्बेसी है इंडिया का, वहाँ पे उनका फोटो है एक। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 जनवरी 2021 को
2021 को सेलिब्रेट करते हैं हम बर्थ एनिवर्सरी सावित्री बाई फूले की, इनको किस लिए जाना जाता है, ये किस लिए फेमस थी? तो इसका आंसर है द मदर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म के नाम से फेमस थी। अब ये देखिए इनके बारे में हम बात करते हैं, ये रहा, ये एक इंडियन सोशल रिफॉर्मर थी, एजुकेशनलिस्ट थी और ये एक पोइट थी फ्रॉम महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी। इन्होंने वर्क किया है डिस्क्रिमिनेशन एंड अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ पीपल बेस्ड ऑन द कास्ट एंड जेंडर, मतलब कास्ट और जेंडर के बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उसके लिए इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था। और ये एक सोशल रिफॉर्मर थी महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, और साथ साथ ये एक फिलेंथ्रोपिस्ट भी थी, एक एजुकेशनिस्ट भी थी, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ थी। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये देखिए ये इनका फोटो है, ये थी, और 3 जनवरी को हम इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाते हैं। इनका जो बर्थ हुआ था 1831 में हुआ था, और 10 जनवरी 1897 को इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। और ये फर्स्ट फीमेल एजुकेशन ऑफ इंडिया थी एंड द फर्स्ट इंडियन फेमिनिज्म थी, ठीक है। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, रिसेंटली किस कंट्री ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट को पास किया है? तो इसका आंसर है यूएसए, ये देखिए यूएसए ने पास किया है इसको, मलाला यूसुफजई एक्ट को। इस एक्ट के अंदर क्या होगा के पाकिस्तानी वुमेन्स को और ज़्यादा हायर एजुकेशन आसानी से मिल जाएगी अमेरिका के अंदर, इसके लिए इसको पास किया गया है। यूएस के अंदर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने इसको पास कर दिया है, अब बस डोनाल्ड ट्रम्प जो वहाँ के प्रेसिडेंट है उनका बस साइन करने को बाकी है, जो कि हो ही जाएगा, देन उसके बाद ये एक्ट बन जाएगा। अब बात करना मलाला यूसुफ जाई की, तो इन्हें मलाला के नाम से भी जाना जाता है। ये पाकिस्तान की एक एक्टिविस्ट थी जिनको नोबल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था 2014 में, और ये वर्ल्ड की सबसे यंगेस्ट नोबल पीस प्राइज अवार्डी थी, जो कि मतलब इनको तालिबान ने गोली मारी थी, देन उसके बाद ये इंडिया से मतलब सॉरी पाकिस्तान से चली गई थी। अब बात में ये देखिए मलाला यूसुफजई 2014 में इनको अवार्ड मिला, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 12 जुलाई 1997, मिंगोरा पाकिस्तान है। जब इनको अवार्ड मिला था तो ये यूनाइटेड किंगडम की रेजिडेंसी, क्योंकि ये पाकिस्तान छोड़ चुकी थी। ये मलाला यूसुफजई जी की फोटो है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये देखिए ये यूएसए का मेन बिल्डिंग जिसको हम व्हाइट हाउस के नाम से जाना जाता है, और इसे हम कांग्रेस भी बोलते हैं, कांग्रेस मतलब हमारे यहाँ जैसे पार्लियामेंट होता है ना, ऐसे ही इनके यहाँ पे कांग्रेस होता है, इनके यहाँ कांग्रेस होता है। ये इनका सेनेट है, ये इनका सेनेट है, और ये इनका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, जिसको हम इनको बोल इसको बोलते हैं अपर हाउस, इसको बोलते हैं हम अपर हाउस, और इसको बोलते हैं लोअर हाउस, यानी कि आप यह बोल सकते हो कि इंडिया के संदर्भ में ये राज्यसभा, ये लोकसभा और ये पार्लियामेंट हो गया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। भितरकनिका नेशनल पार्क अभी न्यूज में है, तो बताइए ये किस स्टेट के अंदर पड़ता है? तो ये पड़ता है उड़ीसा में। अब बात करते हैं भितरकनिका नेशनल पार्क की क्यों न्यूज में है, तो ये सबसे पहले उड़ीसा के केंद्र पारा उड़ीसा में पड़ता है, और इसको अभी बंद कर दिया गया है फ्रॉम जनवरी 15 टू जनवरी 23, क्योंकि यहाँ पर एनुअली क्रोकोडाइल का सेंसस होता है, इसके लिए इसको बंद कर दिया गया है, ठीक है। और एक और बात, भितरकनिका जो नेशनल पार्क है ये एक रामसार साइट भी है, जो कि 19 अगस्त 2002 में इसको रामसार साइट का दर्जा मिला था। और इंडिया के 70% साल्ट क्रोकोडाइल भितरकनिका नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जीरो आईयूसी चार्जेस, अभी आईयूसी चार्जेस बहुत न्यूज में थे, तो बताइए आईयूसी चार्जेस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईयूसी का फुल फॉर्म होता है इंटरकनेक्ट यूजेस चार्जेस। अब बात करते हैं होता क्या आईयूसी चार्जेस, तो देखिए ये मैं आपको पहले बता देता हूँ क्या होता है। जैसे आप सपोज करिए कोई जियो का यूजर है, उसने एयरटेल को कॉल की, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ट्राई जो है 6 पैसे पर मिनट के हिसाब से चार्ज करता था, तो जियो को एयरटेल को 6 पैसे देने होंगे, और यही अगर एयरटेल जियो को करता है तो उसको भी 6 पैसे पर मिनट देने होंगे। तो ट्राई ने पहले ये चार्ज लगा रखे थे, लेकिन अभी इन चार्ज को जनवरी 2021 से हटा दिया है। तो जियो ने कहा है कि हम भी अपने चार्जेस को फ्री कर देंगे सारी कॉल को, तो ये है, इसको ही हम आईयूसी चार्जेस बोलते हैं, ठीक है। और ये किसने किया है? ट्राई, ट्राई का फुल फॉर्म टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो
क्योंकि 20 फरवरी 1997 को इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके जो चेयरमैन है वो सुनील कुमार गुप्ता जी हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली किस यूनियन टेरिटरी ने डिसाइड किया है कि वो अपने यहाँ पर एक तमिल एकेडमी बनाएंगे टू प्रमोट द तमिल कल्चर? तो इसका आंसर है दिल्ली। ये देखिए दिल्ली, अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट करके बोला है कि हम अपने यहाँ पे तमिल एकेडमी बनाएंगे टू प्रमोट द तमिल कल्चर, तमिल लैंग्वेज। और ये देखिए द इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल भी है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड मरी हुई पाई गई हैं पौंग डैम पर, तो पौंग डैम किस स्टेट के अंदर उपस्थित है ये बताइए? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। ये देखिए बात करते हैं हम पौंग डैम के बारे में, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसको हम जानते हैं महाराणा प्रताप सागर के डैम, प्रताप डैम से भी, और पौंग रिजर्वायर के नाम से भी जानते हैं। इसको 1975 में बनाया गया था। अब बात करते हैं जब ये मारी क्यों गई बर्ड, तो इनके डेथ का जो कॉज है वो है एवियन इन्फ्लुएंजा, और जिसे हम जानते हैं बर्ड फ्लू के नाम से। ये बर्ड फ्लू के नाम से ये एक सीवियर बहुत ही खतरनाक बीमारी है बर्ड के अंदर, जो कि होती है H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से। और ये जो पौंग डैम है ये बना हुआ है ब्यास रिवर पे, जो कि शिवालिक हिल के अंदर पड़ता है। अब बात करें हिमाचल प्रदेश के सीएम की, तो वो हैं श्री जयराम ठाकुर साहब, एंड द गवर्नर इज बंदारू दत्तात्रेय। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, हाँ ये बर्ड देखिए, ये बर्ड है जो मारी गई है। अब मेन चीज़ है इस वायरस के फैलने का रीजन क्या है। तो देखिए इस टाइम पे क्या होता है, विंटर टाइम पे जो साइबेरिया है, मतलब जहाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, वहाँ से बर्ड माइग्रेट करती हैं और वो इंडिया मतलब एशिया की तरफ आती हैं। तो वो जो बर्ड है वो मेन कॉज है इस वायरस का फैलने का, क्योंकि सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में फैला, फिर ये राजस्थान में फैला, देन एमपी में फैला, और अब केरला में करीब 4,000 डक्स जो हैं मरी हुई पाई गई हैं। तो सबसे मेन कारण है जो माइग्रेटरी बर्ड हैं वो इस फ्लू को फैला रही हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।